छोटे घरों में पैदा होने वालों को अक्सर बड़े सपने देखने से दुनिया मना करती है, इसलिए उसने अपनी खुद की दुनिया खड़ी कर दी। द बिग बुल, द मदर ऑफ ऑल स्कैम। मैं हूं पूर्वा शिंदे, स्वागत है आपका तूफान खबरें में। स्कैम स्कैम स्कैम, आजकल तो वैसे ही स्कैम होता रहता है। हाल ही में ही ईशा चंद्रानी ने एक स्कैम किया था जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ। वैसे ही इश्क है तो रिश्क है वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, जो लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। और यही वेब सीरीज को देख के लोगों ने शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ाया था, यही सोच के इंटरेस्ट बढ़ाया होगा कि हम भी एक दिन द बिग बुल बन जाएंगे। वेब सीरीज की तरह एक मूवी आ रही है द बिग बुल द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, जिसका टीजर 16 मार्च को रिलीज हो गया है। चलिए आपको दिखा दें उसका छोटा सा ट्रेलर। इस देश में हम कुछ भी कर सकते, नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते, पुलिस को रिश्वत दे सकते, मीडिया को धमका सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते। बस एक रूल है, पकड़े नहीं जा सकते। भाभी जी से डांट नहीं खाए। अयो, सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट। तुक्का आने दाओ, मैं बहुत फर्क है वीरेन, मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाओ। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तुम नहीं पियो? पियूंगा, जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पियूंगा, लेकिन मेरे आइडियाज के लिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और सिस्टम को मुझे पकड़ना है तो उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी। समझा दे अपने भाई को कि बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है। तुम्हें तो सच पता होना चाहिए, इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा। मैं। ये मूवी भी हर्षद मेहता की रियल लाइफ स्टोरी पे है, जिसके लीड रोल में अभिषेक बच्चन है, डायरेक्टर बाय कुके गुलाटी और प्रोड्यूस बाय अजय देवगन। ये कहानी हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित है, जो एक स्टॉक ब्रोकर जो 1980 से 1990 तक 10 वर्षों के फाइनेंशियल क्राइम्स में शामिल था। तो ये मूवी रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 8 अप्रैल 2021। तो आपको क्या लगता है, वेब सीरीज तो जबरदस्त थी, ये मूवी भी उतनी ही जबरदस्त होगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, जुड़े रहे तूफान खबर।